अगर आप एक अमेजन सेलर हैं, मीन्स अमेजन इंडिया पर सेल करते हैं, तो कई बार आपके साथ मैपिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसा कई बार आप कमेंट करके मुझसे पूछते रहते हैं कि आपकी लिस्टिंग में दूसरे सेलर्स मैपिंग कर दे रहे हैं अपने प्राइसिंग की, जिससे ना तो आपको बाय बॉक्स मिल पा रहा है और ना ही आपकी सेल हो रही है। इससे वाकई, चाहे वो अमेजन पे आप सेल करो, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सेल करो, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो तरीके बताने वाला हूँ जिनका यूज करके बहुत आसानी से आप मैपिंग की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। फिर आपकी लिस्टिंग में ना तो कोई दूसरा सेलर मैप कर सकता है, और अगर मैप भी करेगा तो अमेजोन उसका आइटम कंसीडर नहीं करेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बात करते हैं पहले मेथड की। पहले मेथड का नाम है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा तरीका है जो अगर एक बार आपको मिल गया और आपने किसी लिस्टिंग को ट्रांसपेरेंसी में इनरोल कर लिया, तो उसमें क्या है, फिर कोई दूसरा सेलर उस लिस्टिंग पे सेल नहीं कर सकता है। अगर वो सेल करता है, अपने आइटम अमेजन के एफसी में भेजता है, तो अमेजन उस आइटम को कंसीडर नहीं करेगा और उसको वो आइटम वापस कर दिया जाएगा। मीन्स जो आपका आइटम है, जो आपने ट्रांसपेरेंसी में इनरोल किया है, उसको अमेजन ओरिजिनल मानता है, और बाकी सेलर जो आइटम भेज रहे हैं उस सेम एएसआईएन कोड पे या प्रोडक्ट पे, उसको फिर वो डुप्लीकेट या काउंटरफेट प्रोडक्ट कंसीडर कर लेता है। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी के बारे में आइडिया नहीं है कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, कैसे हम इस कोड के लिए एलिजिबल होते हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं, इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा तो ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं सेकेंड मेथड की। ये दूसरा मेथड क्या है, इसमें आपको अमेजोन में ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, मीन्स अपने ब्रांड को इनरोल करना पड़ेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि अपने ब्रांड को रोल करने के लिए आपका जो ट्रेडमार्क नंबर है या ट्रेडमार्क है, वो या तो रजिस्टर्ड स्टेटस में होना चाहिए या पेंडिंग स्टेटस में होना चाहिए। तो आप अमेजन की ब्रांड रजिस्ट्री में इनरोल कर सकते हैं, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ चीजें आपसे मांगी जाएंगी जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एक बार आप ब्रांड रजिस्ट्री में इनरोल हो गए तो उस समय दो सिनेरियो बनते हैं। अब जो ब्रांड रजिस्ट्री की इंटरनल टीम है, जिस समय आपके अकाउंट को या ब्रांड को रिव्यू करती है, तो उस समय कई बार वो लोग आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं कि इसमें कोई दूसरा सेलर लिस्टिंग ना कर पाए। और कई बार वो इसको ब्लॉक नहीं करते हैं, वो ओपन रहता है और ब्रांड रजिस्ट्री मिलने के बावजूद भी उसमें कोई दूसरा सेलर मैप कर लेता है। उस केस में करना क्या है कि अगर आपको ब्रांड रजिस्ट्री में अप्रूवल मिल गया, उसके बाद आपको अपने लेटर हेड पे एक डिक्लेरेशन बना के देना है अमेजन को, और उसमें ये लिखना है कि ये जो मेरा ब्रांड है, इसको हम किसी दूसरे थर्ड पार्टी या रीसेलर को नहीं सप्लाई करते हैं, दोबारा उसको सेल करने के लिए ये हम खुद सेल करते हैं और कोई दूसरा सेल नहीं कर सकता है। ये प्रॉपर डिक्लेरेशन आपको अमेजन को भेजना पड़ेगा, इसलिए आप हमारे अकाउंट पे कोई दूसरे सेलर्स को लिस्ट करने मत दीजिए। तो होता क्या है, इनकी जो इंटरनल टीम है वो देखती है, अगर उसको लगता है, हाँ एक चीज यहां ध्यान रखना कि आपका जो ट्रेडमार्क स्टेटस है, अगर वो रजिस्टर्ड बोर्ड में है तो 100% काम आपका हो जाएगा, और अगर वो रजिस्टर्ड स्टेटस में अभी नहीं आया है, पेंडिंग है, तो कई बार वो लोग फिर इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो वो अगर नोटिस आप उनको दे दोगे, तो अगर एक बार को ब्लॉक नहीं भी किए रहेंगे तो वो एक्सेस को ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद जब कोई दूसरा सेलर लिस्टिंग करने के लिए आएगा, तो उसको ये बताएगा कि भाई आप अथोराइज नहीं है लिस्टिंग करने के लिए, आपको ब्रांड ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसमें परमिशन लेने के लिए ऑप्शन होता है, वो जैसे उस पे क्लिक करेगा, एक मेल आपके पास आएगी कि कोई दूसरा सेलर आपकी लिस्टिंग पे मैप करना चाहता है, तो क्या आप इसको अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आप रिजेक्ट ही कर देंगे। तो जब आप रिजेक्ट कर देंगे तो उसका फर्दर जो लिस्टिंग का प्रोसेस है वो स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये भी एक बेहतरीन मेथड है अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लेना चाह रहे या आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही है, मींस आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो सिर्फ यही दो तरीके हैं जिससे आप अमेजन जो आपकी लिस्टिंग्स हैं उनमें किसी दूसरे सेलर को मैप करने से रोक सकते हो और अपना सेल और अपना प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहां पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।